साथियों, आजादी के 75 साल का ये समय हमारे लिए कर्तव्य काल का समय है। हमें ऐसे सभी क्षेत्रों पर काम करना होगा जो अभी तक उपेक्षित रहे हैं। देश में अंडर ट्रायल कैदियों से जुड़े मानवीय विषय पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले भी कई बार संवेदनशीलता दिखाई गई है। ऐसे कितने ही कैदी हैं जो कानूनी सहायता के इंतजार में वर्षों से जेलों में बंद है। हमारी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज इन कैदियों को कानूनी सहायता देने का जिम्मा उठा सकती है। आज यहां देश भर से डिस्ट्रिक्ट जजेज आए हैं। मेरा उनसे आग्रह है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी के चेयरमैन होने के नाते अंडर ट्रायल कैदियों की रिहाई में तेजी लाएं। वैसे मुझे बताया गया है कि नालसा ने इस दिशा में कैंपेन भी शुरू कर दिया है। मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूं, आप सबको बधाई देता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आप लीगल एड के जरिए इस अभियान को सफल बनाएंगे। मैं बार काउंसिल से भी आग्रह करूंगा कि इस अभियान से ज्यादा लॉयर्स को जुड़ने के लिए प्रेरित करें। साथियों, दुनिया एक अभूतपूर्व डिजिटल रिवॉल्यूशन की साक्षी बन रही है और भारत इस रिवॉल्यूशन का प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है। कुछ साल पहले देश जब भीम यूपीआई और डिजिटल पेमेंट्स की शुरुआत कर रहा था तो कुछ लोगों को लगता था कि ये छोटे से क्षेत्र तक सीमित रहेगा, लेकिन आज हम गांव गांव में डिजिटल पेमेंट होते देख रहे हैं। आज पूरी दुनिया में जितने रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं उसमें 40% अकेले भारत में हो रहे हैं। रेहड़ी पटरी और ठेले वाले लोगों से लेकर गांव गरीब तक डिजिटल पेमेंट अब हर व्यक्ति के लिए सहज दिनचर्या का हिस्सा बन रहा है। जब देश में इनोवेशन और एडेप्टेशन की इतनी स्वाभाविक क्षमता हो तो जस्टिस डिलीवरी में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए इससे बेहतर समय नहीं हो सकता है। मुझे खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में देश की न्याय व्यवस्था इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। ई कोर्ट मिशन के तहत देश में वर्चुअल कोर्ट शुरू की जा रही है। ट्रैफिक वायोलेशन जैसे अपराधों के लिए 2400 घंटे चलने वाली कोर्ट से काम करना शुरू कर दिया है। लोगों की सुविधा के लिए कोर्ट्स में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार भी किया जा रहा है। मुझे बताया गया है कि देश में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में अब तक 1 करोड़ से ज्यादा केसेस की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो चुकी है। करीब करीब 60 लाख केस हाईकोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में भी सुने गए हैं। कोरोना के समय हमने जिस विकल्प के तौर पर अड़प किया वो अब व्यवस्था का हिस्सा बन रहा है। इस बात का प्रमाण है कि हमारी न्याय व्यवस्था न्याय के प्राचीन भारतीय मूल्यों के लिए भी प्रतिबद्ध है और 21वीं सदी की रियलिटीज के साथ मैच करने के लिए भी तैयार है। इसका श्रेय आप सभी महानुभावों को जाता है। मैं आप सभी के इस प्रयासों की सराहना करता हूं।